कि टीके से दो लोग डरते हैं, टीके से दो लोग डरते हैं, एक कोरोना वायरस और दूसरे ये टीका विरोधी लोग। रिकॉर्ड वैक्सीन लगवा ली तो अब इन्होंने क्या शुरू किया है कि सरकार हमारा गरीब देश है, ये टीकों के पीछे इतना सारा खर्चा क्यों कर रही है। भाइयों बहनों मुझे बताइए, आपकी जिंदगी बचाने के लिए सरकार ने खर्चा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, खर्चा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर मोदी कर रहा है सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आपकी जिंदगी बचेगी तो मुझे आनंद होगा कि नहीं होगा, मुझे खुशी होगी कि नहीं होगी। आप लोगों ने मुझे इतना बड़ा प्यार दिया, सम्मान दिया, आपको मुझे इतना बड़ा पद दिया, मुझे आपके लिए काम करते रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। अब देखिए ये टीका हमारे देश के वैज्ञानिकों ने कितनी मेहनत करके तैयार किया, लेकिन ये ऐसे राजनीति में लिपटे हुए लोग हैं, ऐसे परिवारवाद में फंसे हुए लोग हैं कि इनको टीके से भी समस्या, योगी से भी समस्या, मोदी से भी समस्या, टीके से भी समस्या। भाइयों और बहनों, भाजपा की डबल इंजन की सरकार पिछले दो सालों से गरीबों को मुफ्त राशन दे रही है। दुनिया के बड़े बड़े देश अपने नागरिकों की इतनी व्यवस्था नहीं कर पाए। धनी देश, संपन्न देश, वे भी वो काम नहीं कर पाए, वो भारत जैसे देश ने करके दिखाया है। दो साल भाइयों बहनों, जब गरीब के घर में राशन पहुंचता है, मेरे मन में एक ही कामना रहती थी कि कोरोना का संकट आया है, संकट भयंकर है, परिवार में हालत ऐसी कि एक कमरे में मां बीमार हो, कोरोना की बीमारी आई हो, लेकिन दूसरे कमरे से बेटा मां के पास भी नहीं जा सकता था, ऐसी ये बीमारी। उस बीमारी में मेरे दिल में एक ही बात रहती थी कि मेरा कोई गरीब परिवार, मेरी कोई गरीब मां, मेरे देश का कोई गरीब बच्चा, उसको कभी भी भूखे सोने की नौबत ना आ जाए, कोई मेरा ऐसा गरीब परिवार ना हो उसके घर में चूल्हा न जलता हो। भाइयों, लेकिन जब भारत इतना बड़ा काम कर रहा है तो ये लोग मुफ्त राशन देने वाली इस योजना पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आज आपके बीच आया हूं इन लोगों से सतर्क रहने के लिए, आपको जगाने आया हूं कि ये लोग ऐसी ऐसी बातें करेंगे, ऐसी ऐसी हवाबाजी करेंगे, आपको गुमराह करने के लिए खेल खेलेंगे। ये ना गरीब का भला चाहते हैं और न ही ये देश का विकास चाहते हैं।